चलिए, तो बेसिकली आज हमारी डे वन है पावर बीआई के लिए। डे वन है हमारा पावर बीआई का, जिसमें हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पावर बीआई रिपोर्ट ऑटोमेशन के बारे में। हमने इससे पहले आपको डेमो में सब कुछ समझाया था, क्या करना है, कैसे करना है। और मैं इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहले से पता है पावर बीआई के बारे में, ठीक है, फिर भी मैं ये समझूंगा कि आप लोग जो है बिल्कुल फ्रेश है, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं ये समझूं कि आपको पहले से आता है या नहीं आता है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं ये चीज समझ रहा हूं कि आपको पहले से कुछ भी नहीं आता, ताकि मैं हर एक चीज समझाऊं, ठीक है। कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी, समझ में नहीं आएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको इसी समय आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पावर बीआई का सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगा कहाँ से, उसके बाद बाकी चीजों पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि तो जब तक पावर बीआई का सॉफ्टवेयर मुझे नहीं मिलेगा, तब तक ये पता लगाना कि क्या है कैसे है मुश्किल होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम जो है पता करते हैं कि पावर बीआई का आगे सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो देखिए, पावर बीआई के लिए दो चीज चाहिए, पहला चाहिए उसका डेस्कटॉप वर्जन, दूसरा चाहिए उसका वेब कंसोल। पहला चाहिए डेस्कटॉप वर्जन और दूसरा चाहिए आपका वेब कंसोल। तो वेब कंसोल के लिए तो आईडी आपको बनानी पड़ेगी, साइन अप करना पड़ेगा, या फिर आपके पास अगर कंपनी का आईडी है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है पावर बीआई डाउनलोड, पावर बीआई डाउनलोड। यहाँ पे बहुत सारे साइट्स आएंगे, लेकिन चेक कीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का साइट होना चाहिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट का साइट नहीं है तो उस पर मत जाइए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कि बहुत फालतू के लिंक्स वगैरह आ जाए। देन आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे पावर बीआई डाउनलोड ऑप्शंस पे, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप यहाँ दिख रहा होगा, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, यहां से भी कर सकते हैं, और नीचे भी आपको दिखेगा पावर बीआई डेस्कटॉप। अब इसमें दो चीजें हैं, डाउनलोड और एडवांस डाउनलोड ऑप्शन। देखिए, अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि वो आप जो माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका ये है, माइक्रोसॉफ्ट का जो आर्क्स होता है ना, यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे आर्क्स स्टोर स्टोर देख सकते हैं, यहाँ पे आर्क्स करके विंडो आएगा, गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर डॉट कॉम आएगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे चला जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही होता है, तो इंग्लिश को सिलेक्ट करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। डाउनलोड जब हो जाएगा, डाउनलोड जब इसको कीजिएगा, तो कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है आपका, 583 MB का है। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका 32, अगर 32 का सेटअप होगा तो इस पे, और ये 64 का सेटअप जो होगा उस पे कीजिएगा। विंडो का जो आपका ये है, आपका टाइप है, तो 64 टाइप है, इसको हमने सिलेक्ट करके डाउनलोड किया। डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम कितना लेगा और डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है उस पर। ओके, तो पावर भी आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहें साथ के साथ तो कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको सपोर्ट कर दूं। इसमें यहां डाउनलोड हो गया, अब इसको सेलेक्ट कीजिए और इंस्टॉल करना शुरू कर।
यहां से नेक्स्ट, यस, डाउनलोड होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पास विंडोज 8.1 से भी नीचे का अगर कोई वर्जन है तो आपका डाउनलोड पावर बीआई नहीं होगा इंस्टॉल। साथ में अगर आप मैक यूज करते हैं तो मैक को भी पावर बीआई सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके पास अगर मैकिंटॉश है या फिर आपके पास विंडोज 7 वगैरह है तो पावर बीआई ट्राई मत कीजिएगा। तो यहां से नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर दें, नॉर्मल सा है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो पावर बीआई का सॉफ्टवेयर हम यहां पे डाउनलोड कर चुके हैं और इसको इंस्टॉल कर रहा है। अब इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो भी इंस्टॉलेशन होगा यही ए भी इसमें आपका हो जाए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन टाइम लेता नहीं। अब मैंने, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था फिर भी आपके सामने इंस्टॉल किया, क्योंकि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं आपके जितना से, जैसे आप वैसा मैं। मेरी क्या है, एक छोटी सी फंडा होता है कि जिस कंडीशन में आपका सिस्टम है उसी कंडीशन में मैं भी अपना सिस्टम रखूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है थोड़ी सी पावर बीआई के बारे में हम जान, ठीक है, जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम पावर बीआई के बारे में जान। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो गया। ये मेरा इंटरनेट आई थिंक, हाँ 5G को सिलेक्ट कर, तो जब तक ये पावर भी डाउन हो रहा हो, एक बात भी बात कर लेते हैं कि पावर बीआई है क्या। तो देखिए पावर बीआई अगर इसी वेबसाइट पे जाएं जहां पे माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है कि पावर बीआई है क्या, उसी के देख लेते हैं। बेसिकली पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम पावरफुल इस तरह के जो डैशबोर्ड दिख रहा है, इस तरह के पावरफुल डैशबोर्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, बना सकते हैं। हालांकि डैशबोर्ड तो हम एक्सेल पे भी बनाते हैं, टैबलू पे भी बनाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास डेटा काफी बड़ा हुआ, काफी ज्यादा बड़ा डेटा हुआ, तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। बट पावर बीआई के साथ ऐसा नहीं होता है, बड़े से बड़े डेटा पे भी हम इजिली करते हैं, तो दैट इज गुड कि आप बना सकें। दूसरी चीज, अगर आप Nokia.com जैसे वेबसाइट पे जाएं, वहां पर डेटा एनालिटिक्स सर्च करें, तो आपको मोस्टली कंपनियां जो है पावर बीआई मांगती है। अब पावर बीआई को मैंने फिनिश करके लॉन्च किया, अब पावर बीआई जब इंस्टॉल होके आ जाएगा देन आपको चाहिए होगा वेब कंसोल आईडी, ये आपका पावर बीआई का। देखिए मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, दिख रहा है, अब बात करते हैं कि वेब कंसोल आईडी कहां से आएगा। ये आप यहाँ पे सर्च, यहाँ पे ओपन करेंगे powerbi.com, app.iptindia.com मेरा जो मोबाइल ऐप है जहां पे रिकॉर्डेड कोर्स बिकते हैं उसका वेबसाइट है, बंदे पीसी से और लॉगिन करते हैं, याद रहता है वही
ऐप डेट पावर बी आई डॉट कॉम जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये हमारा वेब कंसोल होता है। क्या होता है? वेब कंसोल। तो यहाँ पे हमारे जो ये रहा डेस्कटॉप का इंटरफेस, ये रहा वेब कंसोल का इंटरफेस। अब इसकी जो लॉगिन आईडी है, यहां से आप देख पा रहे हैं, ये लॉगिन आईडी चाहिए हो। अब बोलेंगे सर मैं जैसे जीमेल याहू वगैरह से हम लॉगिन कर लेते हैं, इसे लॉगिन कर ले, तो ध्यान रखिएगा कि पावर बीआई जो है वो जो है इंडिविजुअल के लिए नहीं है। पावर बीआई इंडिविजुअल के लिए नहीं है। किसके लिए है? ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल मैंने कॉर्पोरेट्स के लिए है, समझे? ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है। तो आप जो है अपना जीमेल या याहू जैसे साइट से इसको लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी की आईडी चाहिए, मतलब कि पब्लिक डोमेन वाली ईमेल आईडी से आप साइन अप नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए पर्सनल किसी कंपनी की आईडी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कंपनी के क्या आप कंपनी की आईडी से लॉगिन साइन अप कर सकते हैं? अगर आपकी कंपनी ने पावर बीआई की सर्विसेज को परचेज नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हैं। अगर उसने परचेज कर रखा है तो फिर आपको कंपनी की आईडी से भी साइन अप नहीं करने देगा। तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आप लोगों की अगली क्लास में इसकी वेब कंसोल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे भी वेब कंसोल को पढ़ने में अभी टाइम है, समझ गए? क्लियर है सर? यस तो हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक जस्ट अपना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और वेब कंसोल आईडी को लॉगिन किया। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिए कि पावर बीआई आप की जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट आप अपने डेस्कटॉप वर्जन पे भी बना सकते हैं और आप अपने वेब वर्जन पे भी बना सकते हैं। बताना जिनके पास विंडोज 7 में है या जिनके पास मैक मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो लोग जो है वेब कंसोल के जरिए अपना रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अब लोग सर फिर मैं डेस्कटॉप क्यों डाउनलोड करके इंस्टॉल करूं? हम पूरा वेब कंसोल लेके चलते हैं। तो वेब कंसोल में कुछ प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले डेटा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। सेकेंड आपकी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी पावर क्यूरीज में वर्क नहीं करेगा, डेटा प्रॉब्लम होगी और भी बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर नहीं होता तो पावर बीआई इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं करता, समझे? तो अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है तो उसको हटा दीजिए। हाँ, इसका यूज हम जैसे कि जो मैक वगैरह है वो लोग पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बट आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब डेस्कटॉप वर्जन पे आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरफेस के बारे में, इसकी वर्किंग प्रोसीजर जो है, इसका वर्किंग प्रोसीजर अगर समझते हैं कि पावर बीआई वर्क कैसे करता है, राइट? तो अब मैं इसको एक बार क्लोज करता हूं और दोबारा से पावर बीआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद ओपन करते हैं। यहां से भी ओपन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेनू बार से भी पावर बीआई का सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पावर बीआई थोड़ा सा स्लो भी चलता है। पावर बीआई थोड़ा सा स्लो भी चलता है। तो यहाँ पे मैंने जो दिख रहा है ब्लैंक रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। हालांकि इसके पीछे बहुत रिसेंटली वर्कबुक रहेगी, आपके पास तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो शुरुआत भी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास रिसेंटली नहीं होगा। तो आपको कहाँ जाना है? जाना है यहाँ पे पावर बीआई रिपोर्ट्स पे। इस पे जाइएगा तो कुछ इस तरह का विंडो आएगा। आया? अब इसमें अभी हम क्या इसकी वर्किंग प्रोसीजर को समझ रहे हैं। इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है? इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, इस चीज को समझ रहा हूं। तो यहां हम जो है कहां जाएंगे? जाएंगे वर्कबुक पे। क्यों जाएंगे? क्योंकि डेटा पावर बीआई में नहीं होता है। पावर बीआई डेटा को क्रिएट या स्टोर नहीं करता है। पावर बीआई अपना डेटा कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करता है।
तो पावर बीआई के डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेल से लेना पड़ेगा। हालांकि एक्सेल ही नहीं, हम बहुत सारे वर्जन से डेटा ले सकते हैं, बहुत सारे वर्जन से डेटा को ले सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से डेटा को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल फिलहाल, एक्सेल क्योंकि एक्सेल सभी के पास होगा इसलिए एक्सेल लेके चलते हैं। अब यहां पे मैं आता हूं, एक एक्सेल डेटा लेता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार डेटा को चेक कर लीजिए। जैसे इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूं। अब चेक करने के लिए क्यों बोलना कि पावर बीआई को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कि रो नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, डेटा इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई इस तरह से ब्लैंक वगैरह नहीं होना चाहिए, ब्लैंक सेल वगैरह नहीं होना चाहिए, ब्लैंक सेल के अंदर डेटा वगैरह फालतू का नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे। अगर डेटा में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो एक बार उसको सही कर लीजिए पावर बीआई में लोड करने से पहले, ठीक है। अब यहां पावर बीआई के डेटा हम लोड हम समझ गए, फिर सिलेक्ट करके इसको ओपन कीजिए। जैसे ओपन होगा उसके अंदर जितने भी शीट होंगे उस शीट का डेटा आ जाएगा। इस डेटा पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद डेटा मुझे मेरा दिख गया, देन हम इसको लोड करेंगे। क्या करेंगे, लोड, यहाँ ट्रांसफॉर्म भी दिख रहा है लेकिन बाद में करते हैं, फिलहाल हम लोड पे क्लिक करेंगे। हमने लोड पे क्लिक, ये डेटा हमारा पावर बीआई में लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, पहले बताया आपको, हालांकि ऐसे सिस्टम मेरा स्लो है, मेरा सिस्टम में तो 32 GB के रैम है, i7 प्रोसेसर है, SSD लगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ही स्लो चलता है। ये आ गया, ये डेटा फील्ड सारे आ गए। अब हमने पहला प्रोसीजर क्या था, डेटा लोड करना, हमने डेटा लोड कर लिया, देन जाते हैं टेबल में। टेबल के अंदर में यहाँ देखेंगे बहुत सारे डेटाज हैं, तो डेटा जब लोड करेंगे तो सही फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो डेटा को सही फॉर्मेट में करने के लिए आप कॉलम को सिलेक्ट करें, यहाँ पे सही कर सकते हैं या पावर क्वेरी में ले आ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको परसेंटेज कर देता हूँ, मुझे इसको परसेंटेज करना है, तो कॉलम के साथ जो छेड़छाड़ करनी है वो छेड़छाड़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए डैक्स वगैरह के साथ हम नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो डेटा ठीक ठाक कर लिया हमने, डेटा को लोड किया, डेटा को ठीक ठाक कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ कैनवस पे। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे रिपोर्ट बनाना। तो रिपोर्ट बनाना कैसे शुरू करना है, जस्ट सिंपल है, यहां से चीजें उठाइए और फील्ड को जैसे पिवट में ड्रॉप करते हैं ऐसे ड्रॉप कीजिए और शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक गट चार्ट को लिया, गट चार्ट को अपने हिसाब से इसको सही किया, सही करने के बाद मैंने यहाँ पे रख दिया अपना टोटल ऑर्डर, इल्ड, सॉरी इल्ड, टोटल इल्ड रख दिया, और इसके अंदर इसका टारगेट मैक्सिमम में डाल दिया, दे दिख गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे रेवेन्यू चाहिए, तो यहाँ से हमने उठाया और रेवेन्यू डालना है, तो यहाँ पे मैंने अपना रेवेन्यू डाला। अब रेवेन्यू का टारगेट सेट नहीं है क्योंकि डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू जनरेट किया गया है। अब हमारा रेवेन्यू का टारगेट क्या है, क्योंकि तो टारगेट यहाँ देख पा रहे हैं क्वांटिटी का है, रेवेन्यू का टारगेट तो है नहीं क्या। तो यहां मुझे कैलकुलेट करना है कि टारगेट जो हमारा है, अब यहां पे मुझे ये देखना है कि जो 6450 रेवेन्यू आया और 86 इल्ड पे आया है ना, तो 450 पे कितना आना चाहिए, तो ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो न्यू कॉलम पे जाएंगे
और यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा रेवेन्यू या फिर नेम होता है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, बस मैं आपको अभी प्रोसेस दिखा रहा हूं कि क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, टारगेट। और यहां पे सिंपल मैंने किया सबसे पहले रेवेन्यू डिवाइड बाय इल्ड, तो इससे मुझे पता चल गया एक पीस का क्या सेल, ठीक है, ये ठीक में सबके 75 पीस है, ये हमने बोला रेवेन्यू डिवाइड बाय डेटा इल्ड, रहा रेवेन्यू और इसको 102 से डिवाइड इल्ड किया गया है, डिवाइड नहीं, यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है ना, गलत आ रहा है ना सर, सब सेम कैसे आएगा, ये सब में 75 ही है ना। और जो आया उसको मल्टीप्लाई करना है टारगेट की, तो ठीक है, बट इलेवन डिवाइड जो है ना एक गड़बड़ दिखा रहा है, इस सब में 75 थोड़ी होगा, कि मैं कैलकुलेटर निकाल के एक दो चेक कर लेता हूँ क्या क्या बोल बोल रहे। नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो है स्टाइल ही इसका, इसमें कुछ और प्रॉब्लम लग रहा है। ये पहली बार प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ कि सच में सही है। तो ये हमारा रेवेन्यू है, हमारा 64 50 और इसको डिवाइड करना है इल 86। सही है सर, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली सबका 75 ही है, मैंने डेटा जो बनाया होगा ना तो उसी तरह से बना दिया होगा, ठीक है। सर गलत है, थर्ड लाइन का नंबर गलत, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं। तो दूसरा रेवेन्यू है 375 डिवाइड बाय यील्ड 5 है हमारा, इसका भी 75 है। थर्ड का देखते हैं, नहीं मैंने गलत फॉलो किया, फॉलो गलत भी नहीं है, ओके ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है ना सर, सबका 70 सही है, फॉर्मूला गलत नहीं होता। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं टारगेट, मैं भी चौंक गया ना सर, लेकिन हो सकता है मैं सबका जब डेटा बना देता सबको 70 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, इसको मैंने कर दिया टारगेट, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया है कि भाई अगर अपना टारगेट पूरा करता तो इतना रेवेन्यू जनरेट होना होना था, लेकिन रेवेन्यू जनरेट हुआ इतना, तो इससे पता चलेगा कि रेवेन्यू का टारगेट क्या है। यहां से रेवेन्यू टारगेट को मैक्सिमम में डाल देंगे तो ये पता चला। अब इसकी टारगेट के रेवेन्यू बहुत कम है ना, टारगेट से भी कम है, हाँ मुझे मैक्सिमम ये भी कम है सर, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम कार्ड लेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें डालेंगे कार्ड के थ्रू, तो आपको जो है बस ड्रॉप करना है, ये सब चीजें आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इसका होता है, कि ऑर्डर कितना आया था और फिर हमने यहाँ पे एक और कार्ड लिया, इसमें यील्ड कितना हुआ हमारा, उसके बाद एक बार और मैंने यहां से लिया कार्ड, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, और यहां से बस आपको क्लिक करना है, लेना है
और उसके अंदर ड्रॉप करना, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल से मेन्यू कार्ड। ओ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि तो इसमें जो है प्लीज माइक कैमरा ऑफ कर लें। अनिल कुमार जी कैमरा ऑफ करें प्लीज, कैमरे की जरूरत नहीं है। अनिल कुमार जी कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए तो यहां से हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो n स्लैश m a आया है, तो बेसिकली इसमें डिवाइड जो था कहीं पे ऐसा होगा कि जीरो वगैरह होगा, जिस कारण से ए प्रॉब्लम हो रहा हो। तो इस पे हम बाद में, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें बाद में देखेंगे हम। फिलहाल इसके अंदर अपना प्रॉफिट डाल, उसके बाद इस तरह से यहां से हम अपना, देखिए यहाँ कुछ नहीं करना आपको, बस उठाना है, ड्रॉप करना है, डालना है। बट इसको डालने के लिए जो चीजें तैयार करना है वो डैक्स फंक्शन के थ्रू तैयार करना है। अब डैक्स फंक्शन में फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन आपको कॉम्प्लिकेशन पढ़ाना शुरू कर जाऊं तो पता चलेगा सर क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से डैक्स कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डैक्स के, जब डैक्स वर्क करेगा तभी वर्क करेगा, मतलब डैक्स में तो फॉर्मूला, जैसे एक्सेल का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे आपका डैक्स का फॉर्मूला होता है। जैसे किसी एक्सेल का फॉर्मूला होता है, ऐसे आपका डैक्स का फॉर्मूला होता है, और कुछ खास। तो यहाँ पे हमने अपना रिपोर्ट तैयार कर दिया, देखिए बस हम यहाँ इसके ऊपर डालते जा रहे हैं, ये आते जा रहे हैं। तो डेट को रखा, तो वहां पे फिल्म को रखा, इसको हेरिकल हटा दिया। हो गया, ये रिपोर्ट मेरा बनके प्रिपेयर हो चुका है, राइट। अब इसको क्या करना है, पहले सेव करना है। तो आपने क्या किया, तीसरा चरण पूरा कर लिया। पहला चरण क्या था, डेटा इंपोर्ट करना। दूसरा चरण क्या था, जो डेटा इंपोर्ट किया है उसको सही करना, क्लीन करना। क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल फॉर्मूले, टैब्स या फिर पावर क्यूरी जैसे चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चरण है कि आपने रिपोर्ट बना के सेव किया। देन चौथा चरण है कि इसको आप पब्लिश करेंगे। पब्लिश करेंगे कहाँ, अपना वेब कंसोल पे, क्योंकि तो जब रिपोर्ट किसी को भेजना है तो पावर बीआई की डायरेक्ट फाइल नहीं भेजिएगा ना। अगर आप पावर बीआई की डायरेक्ट फाइल भेजते हैं तो सामने बनने वाले बंदे के पास पावर बीआई का फाइल होना भी तो चाहिए। अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, कोई आपकी फाइल देखने के लिए 500 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो नहीं करेगा क्या। अब मैं यहां पे अपने वेब कंसोल पे, अपने वर्क स्पेस पे आता हूँ, यहाँ माई वर्क स्पेस। और इस माई वर्क स्पेस में आप देखेंगे कि मैंने SS8PM के नाम से आपका फाइल सेव किया था। SS8PM। अब इसमें दो चीजें हैं, एक आपका है मॉडल, दूसरा आपका रिपोर्ट। देखेंगे आप, देखिए एक आपका क्या है, मॉडल है, जहां पे डेटा होगा दिखेगा, डेटा को अपडेट वगैरह कर सकते हैं, डेटा पे अपना जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा सकते हैं, नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है रिपोर्ट, जहाँ की रिपोर्ट आप देखें, अगर आपको इसमें किसी तरह की चेंजिंग करना हो तो जस्ट क्लिक ऑन द एडिट, यहाँ जाके देख सकते हैं कि पूरा जो आपका पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन का जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ देखिए वेब वर्जन पे आ गया, यहाँ पे पूरा, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको लाइन चार्ट नहीं, मुझे इसको एरिया चार्ट चाहिए था, तो जस्ट क्लिक ऑन द एरिया चार्ट, ये आपका एरिया चार्ट आ गया। मुझे यहाँ पे डेट वाइज नहीं, मुझे जो है प्रोडक्ट वाइज चाहिए था, जस्ट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया।
नेम बाई चाहिए था, जस्ट क्लिक ऑन द नेम, नेम आर। ठीक है, देन इसको यहां से फाइल में आइए, देन इसको फाइल में आइए एंड कीजिए सेव। जब सेव हो गया, आफ्टर दैट आप जो है इसको सेव हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, रीडिंग व्यू में जाना है। रीडिंग व्यू में आने के बाद इसको अब शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए यहां आपके पास ऑप्शंस फाइल में है कि यहां पे सबसे पहले तो आप परमिशन मैनेज कर सकते हैं कि भाई ये जो मैं जिसको भेज रहा हूँ उसकी क्या परमिशंस होगी, क्या क्या चीजें होगी, डायरेक्ट एक्सेस करेगा, लिंक के थ्रू करेगा, शेयर व्यू है वगैरह वगैरह, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट करना है, आपको इसको शेयरपॉइंट में डालना चाहते हैं, इसको आप अपना वेबसाइट या पोर्टल पे जाके डायरेक्ट एम्बेड करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको लॉगिन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे पब्लिक करते हैं, जब इसको पब्लिक ऑन वेब कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, कंटिन्यू कीजिए, ये लिंक आपका पब्लिश होता है। अभी लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजता हूं, तो आप लोग भी इस रिपोर्ट को खोल के देख सकते हैं विदाउट एनी लॉगिन एंड परमिशन। ठीक है, अब जो आप डायरेक्ट इसको खोल के देख सकते। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे शेड्यूलिंग है, डेवलपमेंट है, ये चीजें भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहां अगर मैं गया फाइल में, तो ये आपको दिखेगा डेवलपर बैकग्राउंड, यहां पे आप जा सकते हैं। तो यहां पे आपको पूरी की पूरी कोडिंग सिस्टम यहां पे आ जाता है, जहां पे अपना कोडिंग कर सकते हैं। यहां पे स्क्रिप्टिंग कोडिंग चलता है, यहां पे पूरी स्क्रिप्टिंग कोडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये चीजें जो है आपकी क्लास में कवर नहीं होगा, क्योंकि इस कोर्स में प्रोग्रामिंग कवर नहीं है। तो यहां से चीजें आप अपना सेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वेब कंसोल। तो प्रोसेस क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले आप डेटा इंपोर्ट कीजिए, सेकेंड क्या है, डेटा को क्लीन कीजिए, थर्ड क्या है, रिपोर्ट बिल्ड कीजिए, फोर्थ क्या है, रिपोर्ट बिल्ड करने के बाद उसको पब्लिश कीजिए, एंड फोर्थ वेब कंसोल में जाके उस पब्लिश रिपोर्ट को चेंज कीजिए, कुछ पब्लिश रूप में शेयर कीजिए। जैसे अभी मैंने जो भेजा है रिपोर्ट, देखिए लिंक के थ्रू मैंने ओपन किया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जिस रिपोर्ट ही नहीं देखेगा, पावर बी आई के तरह वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए मैं पूरे को पायथन के अकॉर्डिंग देखना है, जस्ट क्लिक ऑन द पायथन, ये पूरा पायथन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को पावर बी आई का। किसी को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आदिल जी, रहा जी, इमाम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? विवेक शर्मा जी, मोहित जी, चलिए अब मैं पावर, अभी हम अब प्रोसेस ए तो मैंने बता दिया तरीका कि पावर बी आई की फंक्शनलिटी क्या है। अब कितना समझ में आ गया कि पावर बी आई के जरिए हम अपने किसी और डेटा सेट से डेटा को इंपोर्ट करके उसको एक अच्छे तरीके से विजुलाइज करके उसको हम वेबली शेयर कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, पावर ये कि बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं और नुकसान के बारे में जानते हैं। तो पहले पॉजिटिव चलते हैं, बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये लार्ज डेटा को मेंटेन करता है। अगर मुझे अगर पावर बीआई के अलावा डेस्कटॉप रिपोर्ट बनानी हो तो एक्सेल है हमारे पास, और एक्सेल के अंदर डेटा की लिमिटेशंस है, 1,00,000 से ऊपर का डेटा पे एक्सेल बम बोल देता है। एक बेनिफिट ये हुआ। दूसरा बेनिफिट पावर बीआई का हमारा ये है कि ये लॉट ऑफ डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी।
देख सकते हैं। तो डेटा फाउंडेशन नहीं है इसमें कि मुझे एक्सेल से ही होना चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्ट फाइल के थ्रू, डेटाबेसेस के थ्रू, जो माइक्रोसॉफ्ट का फैब्रिक है उसके थ्रू, पावर प्लेटफॉर्म के थ्रू, एजुरे है सर, एजुरे सर्विसेज के थ्रू, इसके अलावा जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसके अलावा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरमेंट में ही काम कर सकता है। आप देखिए ये IBM से भी कनेक्ट करता है, SAP से भी कनेक्ट करता है, अमेजोन से भी कनेक्ट करता है, इंफाला से भी करता है, और जो ऑनलाइन सर्विसेज है तो वहां जैसे सेल्स फोर्स हो गया, एनालिटिक्स हो गया, आप देख सकते हैं यहां से भी डेटा, सेल क्वाइंट हो गया, एक्सचेंज हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है सर, आपको जो हो गया ये सबसे, गूगल सीट हो गया, इन सबसे डेटा इंपोर्ट करता है, जो कि एक्सेल या इसके अलावा और सॉफ्टवेयर के साथ बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो पहला डेटा साइट, दूसरा डेटा सोर्स, ये दो बेनिफिट्स पता चल गया आपको। तीसरा बेनिफिट इसके अंदर आता है, वो आता है कि जो एक्सेल का पावर क्यूरी है यहां पूरा का पूरा वर्क करता है, जी हाँ पूरा पावर क्यूरी वर्क करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन हाँ मोस्टली पावर क्यूरी यहाँ पे आपको दिखने के नहीं आएगा। तो पावर क्यूरी है तो हम डेटा को इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, और चौथी जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो है कि अगर मेरे पास पावर BI की नॉलेज ज्यादा नहीं है फिर भी मैं रिपोर्ट्स, एक अच्छा सुंदर रिपोर्ट बना सकता हूं, ठीक है, एक अच्छा सुंदर रिपोर्ट तैयार कर सकता हूं। इसमें हमें एफर्ट और टाइम की सेविंग होती है, मुझे एक्सेल की तरह बहुत सारे लॉट ऑफ फॉर्मूले, लॉट ऑफ फंक्शंस, ये सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी अगर डेटा मेरा ठीक ठाक है तो हम इसमें ठीक ठाक रिपोर्ट बना सकते। उसके अलावा हम इसको माने कि किसी को शेयर करना है, अब मुझे डेटा नहीं देना, मैं चाहता हूं कि पावर BI का डेटा किसी, देखिए आप जैसे मैंने ये लिंक जो शेयर किया आपके साथ यहाँ पे दिख रहा होगा, अब इसमें इसका डेटा थोड़ी देख सकता हूँ कि ये जो 32,000 K आया है ये 32,000 K कहाँ से आया है, क्या है देख पाऊंगा मैं, नहीं देख पाऊंगा, ये 32,000 डेटा, प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लें, आज डे वन है ना शायद इसलिए कंप्यूटर बाकी सब म्यूट कर लेते हैं। तो यहां आपको ये पता चल जाता है कि डेटा नहीं देख पाएगा, तो डेटा सिक्योर है ना, ऑनलाइन है, कहीं भी डेटा भेज सकते हैं, QR कोड के थ्रू भेज सकते हैं, परमिशंस लगा सकते हैं कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पावर BI के थ्रू हो सकती है। उसके अलावा इसमें डेवलपमेंट पार्ट है, किसी वेबसाइट पे एम्बेड करना, बहुत सारे वेबसाइट देखते होंगे जिसमें लाइव डेटा चलता रहता है, तो भी पावर BI के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा सोर्स अपडेट होगा वो भी अपने आप को अपडेट कर लेगा, जस्ट रिफ्रेश करना है। ये सब चीजें एक्सेल के साथ नहीं होगा, इसके लिए हमें अपना कोई प्रोग्राम बनवाना पड़ता जिसके थ्रू होता, पर पावर BI कर दी, ठीक है। तो बेनिफिट समझ में आ गया आप लोगों को, अब नुकसान समझते हैं। सबसे पहला नुकसान यह है कि इसको डेटा डेटा फॉर्मेट में चाहिए, इसको डेटा डेटा फॉर्मेट में चाहिए, ये डेटा को ही समराइज करेगा, रिपोर्ट को समराइज नहीं करेगा। अगर आपके पास बने बनाए रिपोर्ट्स हैं उसको लेके डैशबोर्ड बनानी है तो पॉसिबल नहीं है, पावर BI रिपोर्ट को डेटा को कैरी करता। दूसरा, हमें अगर डेटा में किसी तरह के चेंजिंग करें, 91 गलत आया मुझे 21 करना है, ये चीजें मैं नहीं कर सकता पावर BI में, इसके लिए मुझे डेटा सोर्स में चेंज करना पड़ेगा, सो डेटा एडिटिंग का पार्ट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है।
तीसरा है तो यहाँ पे है कि हर कोई पावर बीआई प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मेरी कंपनी पावर बीआई यूज कर रही है, पावर बीआई की बाय कर रखी है, तभी मैं पावर बीआई का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्योंकि सबको इस तरह का लिंक नहीं दे सकता, क्योंकि हर रिपोर्ट हमारा पब्लिकली नहीं होगा, क्योंकि ये लिंक जो भी एक्सेस करेगा रिपोर्ट को देख सकता है। अगर मैं इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा तो साइन इन करना पड़ेगा, तो उसके पास पावर बीआई की लॉगिन आईडी होनी चाहिए। अगर उसके पास पावर बीआई की लॉगिन आईडी नहीं है तो बंदा नहीं कर पा, ठीक है। अदरवाइज आपको वेब बना के देना पड़ेगा, पीडीएफ बना के देना पड़ेगा। पीडीएफ बना दीजिएगा तो फिर सिलेक्टर वगैरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पावर बीआई के बारे में आपको पूरी जानकारी हो चुकी है, कोई दिक्कत इसमें? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर। वीडियो देखते वो वीडियो तो मिल ही जाएगी आपको, तो क्लास के बाद मिल जाएगी, उसी का दिक्कत। वीडियो की दिक्कत नहीं रखिए। एक चीज जो सुनी थी, एक जैसे मैंने डाउनलोड किया है उसमें मैं स्क्रिप्ट कर रखा था सुनी, जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया था मैंने, हाँ तो उसके बाद में क्या मुझे एक्स्ट्रा कनेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद? आपको डाउनलोड करने के बाद सिस्टम इंस्टॉल कीजिए पहले, और ये सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं करना उसके बाद, कुछ नहीं करना। अब जैसे वही मैं बता रहा हूँ, जब इंस्टॉल करने के बाद जब उसको खोलिएगा तो सामने जो विंडो आ रहा है इस तरह का आ रहा होगा, इस तरह का आ रहा है ना, जी वो इसके ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। जब ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे डेटा लेके आना है एक्सेल से। इम्पोर्ट करना पड़ेगा डाटा मुझे जी एक्सेल में। हाँ बिल्कुल, एक्सेल से, सिक्वल से, ओरिकल से, सैप से, गूगल सीट से, सबसे कर सकते हो। सब बताऊंगा मैं आपको फिलहाल, ओके ठीक है। अब चलिए हम, okay. हाँ सब बताऊंगा मैं, क्या कर रहे। जी सर, ऐसे भी मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसे सबसे बताऊंगा आपको। और अब सब पूरे डेटा सोर्स इतने देखे 100 के आसपास, सब तो ही बता पाऊंगा, और सारे डेटा सोर्स मेरे पास नहीं हो पाए। मेरे पास जो डेटा सोर्स है जो और बता देंगे, इसके अलावा जो आप डेटा सोर्स यूज करते हैं उसमें आपको हम हेल्प कर देंगे इंपोर्ट करने की, ठीक है। ओके सर, एक चीज सर, तो हाँ जी आप ये क्वेरी की बता रहे थे जो फ्लोटिंग, उसकी कब होगी, कब हो सकता है वो? कोडिंग नहीं सिखाऊंगा मैं सर, मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा। कोडिंग का अलग से है ना कोई नहीं, या कोडिंग फ्लोटिंग क्लासेस का अलग? फिलहाल मैंने शुरू नहीं की है। तो ऑलरेडी जो है ना सर, दो कोडिंग क्लासेस चलती है हमारी, एक वीबीए प्रोग्रामिंग की, दूसरी पैथन की। अब तीसरी कोडिंग के लिए अभी मैंने सोचा नहीं है मैंने, हालांकि शुरू करने का अभी है मैं हम लोगों का प्लान, लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास जो पढ़ने आते हैं ना, दे आर द वर्किंग प्रोफेशनल, और ऑलरेडी वो पहले से एक्सपर्ट होते। तो अगर मैं कोडिंग वगैरह सिखाना चाहूंगा तो फिर 4-5 साल मुझे खुद उस पे काम करना पड़ेगा, देन आपको सिखाऊंगा। क्योंकि आपकी जो ऑफिशियल प्रॉब्लम है तभी सॉल्व हो पाएगी जब मैं फिर 5 साल ऑफिस में काम करूंगा, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो सब रनिंग में है, पावर बीआई की कोडिंग अभी इधर आई है ना, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले आई है, तो अभी शुरू की नहीं है। ओके चलिए अब किताब मैं कहीं कॉलेज और क्या बोलते हैं कि सूट्स का ट्रेनर तो हूं नहीं कि किताब पकड़ूंगा पढ़ पढ़ के बता दूंगा, ये चीज है नहीं हमारे पास। चलिए आगे बढ़ो। अब यहाँ पे पावर बीआई जब हम खोलते हैं तो आप अब पावर बीआई की इंटरफेस को समझते हैं। अभी हमने क्या समझा, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हमने सीखा पावर बीआई की वर्किंग प्रोसीजर, कि पावर एआई की वर्क करने काम पे काम करने का क्या प्रोसीजर है, ये समझ गया। तो मोटा मोटी आपको पता चल गया कि पावर बीआई के थ्रू हम कैसे काम करेंगे, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा। अब हम बात करते हैं पावर बीआई का इंटरफेस। पावर बीआई का इंटरफेस क्या है?
तो सबसे पहले जब पावर बी आई ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आएगा। इस तरह के विंडो में अगर आप किसी पुराने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो रिसेंट में है तो ओपन कर लीजिए, या फिर इस ओपन पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं अपने फाइल। फाइल को आप रिजेंट से भी, ओवन ड्राइव से भी, या फिर यहाँ दिख रहा होगा ब्राउज दिस डिवाइस, इस पे क्लिक करके आप अपने जीमेल तीमेल से भी ओपन कर सकते हो यदि अपने ड्राइव से, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक ब्लैंक, जैसे एक्सेल में और न्यू वर्कबुक बन जाता है कंट्रोल एन करने से, ऐसे यहाँ पे आपको न्यू वर्कबुक बन के आएगा, ठीक है। और जब न्यू वर्कबुक बन के आएगा तो यहाँ पे चीजें होगी, एड डेटा योर रिपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी करने से पहले डेटा इंपोर्ट करना होगा, जब तक डेटा इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तब कुछ और करने से क्या फायदा। तो फर्स्ट इंपोर्ट द डेटा, तो यहां हमने इंपोर्ट डेटा पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डेटा सोर्स में जाके जो भी डेटा आपके पास है वो ले लीजिए, लोड कर लीजिए। और डेटा इंपोर्ट करने की पूरी प्रोसीजर हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, फिलहाल हम इंटरफेस बता रहे हैं। उसके बाद हमने डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पे लोड किया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ लोड आइकन तभी एक्टिवेट होगा जब इसके चेकबॉक्स पे क्लिक, चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं कीजिएगा तो लोड आइकन नहीं डिस्प्ले। लोड पे क्लिक किया, यहाँ पे लोड पे क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको इसके सामने यहाँ पे आ जाए। जब आप यहाँ पे लोड करेंगे तो यहाँ कुछ बिल एलिजिबल करके ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ जो, अब यहाँ इसके इंटरफेस को समझिए क्या। सबसे पहले ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कैनवस, क्या बोलते हैं कैनवस, राइट। उससे पहले तीन तरह के व्यू आपके पास, पहला आपके पास है रिपोर्ट व्यू जहां पे आप अपनी रिपोर्ट्स को बनाए, दूसरा आता है हमारे पास टेबल व्यू जहां पे आपके डेटा जो इंपोर्ट किया है वो सारा इंपोर्ट यहाँ पे दिखेगा, डेटा आपका दिखेगा और डेटा के साथ कैलकुलेशन करना या किसी कॉलम को हटाना ये चीजें आप कर सकते हैं, या हाइड करना वो चीजें कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे आता है वो आता है मॉडल व्यू। अब मॉडल व्यू क्यों आता है, जो लोग एक्सेस या सिक्वल को जानते हैं वो लोग समझते होंगे रिलेशनशिप। अच्छा, किनको किनको रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, जिनको नहीं पता है बताता हूं। रिलेशनशिप जस्ट लाइक ए वीलुकअप, जस्ट लाइक ए वीलुकअप। वीलुकअप तो सबको पता होगा, एक्सेल का वीलुकअप फॉर्मूला। तो जब हम मल्टीपल टेबल्स, अब यहाँ पे क्या है कि हम एक बार में कई सारे डेटा कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि एक्सेल से ही आएगा, हम कहीं से भी ला सकते हैं। और ये भी फिक्स नहीं कि एक ही आएगा, हम एक से ज्यादा डेटा भी लेके आ सकते हैं। जब मल्टीपल डेटा लाएंगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप, वी लुकअप लगाने के लिए रिलेशनशिप करना पड़ेगा, वो रिलेशनशिप मैनेज करते हैं डेटा मॉडल से, समझे, या डेटा को मैनेज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कनेक्ट डेटा कनेक्शंस हैं जो आपको इस तरह से डेटा में शो नहीं होगा, नया कर कई सारे ऐसे डेटा है जो कि रिपोर्ट्स वगैरह बना देंगे बट डेटा आपको शो नहीं करेंगे, ये आपका डेटा मॉडल दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है। तो उस केस में आपको डेटा मॉडल में जाके हैंडल करना। अच्छा, 2023 तक जितने भी पावर बीआई हम यूज करते थे उसमें तीन विंडो ही था, रिपोर्ट, टेबल एंड मॉडल। पर 2024 में एक नया ऐड हुआ डैक्स। अब डैक्स क्या है, डैक्स का यूज होता है कि आप इसमें अपना लगा सकते हैं डैक्स क्यूरी, क्या लगा सकते हैं डैक्स क्यूरी। जैसे कि मैंने यहां पे क्यूरी लिख दिया कि
एवलेट, और यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, या कुछ और चीजें भी दे सकते हैं जैसे एक्सएमएल सी एच के लिए होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फलाना ठिकाना, ऐसे लिखिए। यहाँ देखिए डेटा यहाँ पे आ गया। अब इस डेटा को कॉपी करके एंटायर टेबल सिलेक्टर सेल अब कहीं ले जा सकते हैं। इससे पहले हम पावर बीआई से डेटा किसी और जगह पे नहीं ले जा सकते थे, बट डैक्स क्यूरी आने से हम इसको उठा के ले जा सकते हैं। तो हमने चार चीजों के बारे में डिस्कस किया। पहला डिस्कस किया कैनवस, इसको हम लोग रिपोर्ट व्यू भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट व्यू, जहां पे जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा या बना हुआ है मुझे दिखेगा। दूसरा आता है यहाँ पे आपका टेबल व्यू, अगर मुझे डेटा देखना है डेटा के साथ कुछ करना है तो मुझे टेबल व्यू में जाना पड़ेगा। मॉडल, अगर कोई डेटा अगर सिक्योर डेटा आया हुआ है तो मॉडल में मिलेगा, या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मुझे मॉडल में जाना पड़ेगा। और चौथा क्यूरी, जहां पे हम क्यूरी को लिखेंगे। ये चार चीज समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी को? हेलो, कोई कंफ्यूजन किसी को? सबको समझ में आ गया ना? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब यहाँ पे हम कई सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सेल सीट में हम लोग ऐड करते हैं, ऐसे यहाँ भी कई सारे पेजेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट भी कर सकते हैं ये पेजेस। अब ये जो देखिए एरिया दिख रहा है इसको बोला जाता है कैनवस। क्या बोला जाता है? कैनवस, या फिर रिपोर्ट एरिया भी कह सकते हैं। जो भी हम रिपोर्ट बनाएंगे इसी एरिया पे बनेगा, और हमने इससे पहले बनाया है। उसके बाद तीन स्लाइड है आपके पास। पहली स्लाइड है फिल्टर की, जो रिपोर्ट आपने बनाई है उसी उसकी किसी एक पर्टिकुलर चार्ट को या एंटायर रिपोर्ट को या एंटायर पावर बीआई रिपोर्ट को अगर आप चाहते हैं, किसी एक के अकॉर्डिंग फिल्टर हो, जैसे मान लीजिए हमने रिपोर्ट बना दिया ओवरऑल और मुझे दिल्ली का रिपोर्ट देखना था, सो यहां से फिल्टर हो सकता है, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस आते हैं, तीन ऑप्शंस में डालेंगे। दूसरा जो टाइप आता है आपके स्लाइड जो आता है वो आता है विजुलाइजेशन। क्या आता है? विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में दो चीजें, पहला आता है योर विजुअल, दूसरा आता है फॉर्मेट योर विजुअल। मतलब जो फैसिलिटी यहाँ से जो यहाँ से जो चार्ट लीजिएगा उसकी सेटिंग यहाँ कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डोनट चार्ट लिया, ठीक है, और इस डोनट चार्ट में मैंने क्या किया कि रीजन वाइज टोटल अपनी सेल्स को डाल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना, ए बन गया मैं। अब मुझे क्या करना था कि मुझे इसमें जो 20% वाला है ना इसको ग्रीन कलर करना था, तो ये चीजें कहाँ करेंगे? यहां से करेंगे, यहां स्लाइस में गए और इसको मैंने कर दिया मोड में ग्रीन। ठीक है, और इसके अलावा और भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह है जो कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी हुआ।
तीसरा आता है आपका डेटा फील्ड, ठीक है। जो डेटा आपने इंपोर्ट किया, चाहे एक सीट का हो या कई सारे शीट्स का डेटा हो, वो सारा डेटा यहां से आएगा। और इसके इसका काम क्या होगा कि आप जो है जो भी विजुलाइजेशन तैयार करेंगे, चाहे वो टेबल ही क्यों ना हो, यहाँ पे पिवट टेबल की तरह हम टेबल भी तैयार कर सकते हैं, टेबल ही क्यों ना हो, वो सारे टेबल्स को यहाँ पे हम शो कर सकते, ठीक है। तो यहां से फिल्ड होगा। तो अभी तक हमने क्या समझा, चार व्यू, हमने रिपोर्ट व्यू, हमने टेबल व्यू, और हमने मॉडल व्यू, और हमने टैक्स भी। उसके अलावा हमने बताया कि कई सारे पेजेस होते हैं। उसके बाद हमने कैनवस के बारे में जाना, देन हमने जाना फिल्टर, विजुलाइजेशन और डेटा के बारे में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? किसी को दिक्कत? सुनील जी, जी, अगर प्रॉब्लम होती है तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस जो 2003 वाला है ना, उसमें कभी कभी कोडेक वगैरह नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है, तो उसको सेव एज कर लीजिए, या फिर दिक्कत है तो नोट पैड में डाल दीजिए, नोट पैड से डेटा ले लीजिए। मेरा लेटेस्ट है 365 है। अब इसमें हम बात करते हैं लेआउट। अब देखिए, मैं जो यहाँ पे पावर बीआई क्या सोचा है कि आपकी जो रिपोर्ट बनाते हैं वो जरूरी थोड़ी है, वो रिपोर्ट सिर्फ आपका वो बंदे ही देखेंगे कि जो सिस्टम यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपकी रिपोर्ट को मोबाइल फोन पे यूज देखेंगे क्या सर? तो जैसे ये रिपोर्ट हमने यहाँ बनाया हुआ है, दिख रहा है रिपोर्ट है बना हुआ है। अब इस रिपोर्ट को यहाँ पे समरी भी है और यहाँ पे डिटेल का रिपोर्ट बना हुआ, मुझे इसको ये हमारा बना है डेस्कटॉप लेआउट, दिख रहा है। हम इसको मोबाइल लेआउट पे भी ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो लेआउट होते हैं, पहला लेआउट और यहाँ दूसरा, और इसमें भी AI चलता है। जैसे मैंने यहाँ कर दिया ऑटो रिपोर्ट क्रिएट, तो क्या मैं मैनुअली बना लूंगा या फिर ऑटो रिपोर्ट क्रिएट करूंगा? तो जो हमने डेस्कटॉप वर्जन में बनाई हुई है वो सारा रिपोर्ट आप देखेंगे कि मेरे मोबाइल वर्जन में आ। तो अब ये फाइल या इसकी जो वेब लिंक बनाऊंगा और किसी को भेजूंगा, अगर इसको मोबाइल पे खोलेगा तो मोबाइल इंटरफेस ऑटोमेटिकली मोबाइल इंटरफेस में आ जाए, समझे? क्लियर है? ओके ओके तो हमने पावर बी आई की इंटरफेस को अच्छे से समझ लिया। अब इसके मेनू को समझते हैं, हमारे पास मेनू क्या क्या है। तो सबसे पहला मेनू फाइल है आपका। फाइल मेनू बार में फाइल से रिलेटेड चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा क्या।
इतना बेसिक तो पता ही होगा आप लोगों को। तो फाइल से रिलेटेड चीज आपको यहाँ दिख जाएगी। उसके अलावा होम पे जाते हैं तो मोस्ट यूजर्स फीचर्स मिलेगा, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, डेटा कनेक्टिविटी, विजुअल्स, मेजर्स, कैलकुलेशंस, इसके बारे में दिख जाएगा आपको। इंसर्ट पे जब आते हैं तो यहाँ इंसर्ट करना, जो यहाँ ये चीजें दिख रही है मोस्टली चीजें यहाँ आएगा। उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे। मॉडलिंग में आपको जैसे कि मेजर्स एंड कैलकुलेशंस, पैरामीटर्स के बारे में दिखेगा। व्यू में विजुलाइजेशन, जहां से आप अपने पैटर्न वगैरह जैसे क्लिक किया तो उस पैटर्न में रिपोर्ट पूरा हो जाए। तो इस तरह से डिजाइन्स वगैरह डिजाइन आप यूज कर सकते हैं। ओके और ऑप्टिमाइज भी खास कुछ नहीं होता है, आप रिपोर्ट को पॉज या रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं और कितना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको आपको कुछ डेटा सेट्स भेज रहा हूँ। जो लोग अभी अभी अपने पावर बी आई डाउनलोड किए हैं उनको हम कुछ डेटा सेट्स भेज रहे हैं, ठीक है ना। उन डेटा सेट्स को आप लोग इम्पोर्ट करें। जी और बोलिए। कच्चे का भी डेटा होगा, एक बार कच्चे का भी भेजना था इधर देख कुछ। परचेज जी तो देखना पड़ेगा, कोई ना पड़ेगा डेटा तीन चार भेजा, आप देखिए ना बाकी डेटा भी देखिए। आप जो डेटा चाहिए चाहिए मैं ले मंगा लूंगा, ठीक है ना। तो जी अभी मैंने आपको दो डेटा शीट्स, एक डेटा शीट और भेजा, एक और भेजता हूँ, दो भेज तीन भेजना था, दो ही भेजा मैंने, एक और भेजते। जी तो डेटा शीट्स मैं आपको भेज रहा हूँ, तीन चार डेटा शीट्स होगा इसमें। आप जो है एक बार उसको अपने हिसाब से देख जी स्मार्ट। फिर अगली क्लास में, आज मैं आगे और भी पढ़ाता, 1.5 घंटा मैं और पढ़ाता, लेकिन आज ना पढ़ाने के पीछे रीजन है कि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए।